बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल, हर कोई चाहता होगा कि हम पेडीक्योर करें, कोई सैलून जाके करवाता है तो उससे बेहतर है कि आप वही पैसे बचाकर ख़ुद अपने घर में पेडीक्योर और अच्छी तरह से कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे बहुत सारे पैसे बचाकर हम खुद घर में पेडीक्योर कर सकते हैं, कैसे अपने पैरों और हाथों को चमका सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। तो पेडीक्योर करने के लिए सबसे पहला स्टेप है, हम अपने हाथों को और पाँव को नरम करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आधा लीमू, उसमें नमक और कोई भी बॉडी वॉश आपने ले लेना है और नीम गर्म पानी। तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके उसमें अपने हाथों और पाँव को 5 से 10 मिनट तक के लिए रखना है, जिससे आपके हाथ और पाँव नरम हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल इतने खूबसूरत लगने शुरू हो जाएंगे। तो नंबर 2 स्टेप है, इसमें आपने क्या करना है, कस्टर्ड ऑयल जितना आपको हो सकता है, जितना आप मुनासिब और अच्छी तरह से लगा सकते हैं, इसको लगा के आपने हाइड्रेट करना है, जिससे आपकी रंगत, जिससे आपके हाथ और पाँव नरम मुलायम हो जाएंगे। और उसके बाद गर्म पानी में आपने अपने हाथों को और पाँव को 10 मिनट तक रखना है। नंबर 3 स्टेप पे सक्रब आपने अपने चेहरे पे करना है। सक्रब करने के लिए आपने क्या करना है, चीनी, नमक और इसमें आधा लीमू, इसको आपने अच्छी तरह से इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है, जिससे आपके दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। ये सक्रब आपके लिए क्या करेगा, आपके चेहरे के जितने भी दाग धब्बे होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो नंबर 4 स्टेप पे आपने 1 चम्मच लेना है मेथी दाना। कोई भी आपने मेथी दाना, वो होता है जिसको हम अक्सर अपनी जबान में मेथे बोलते हैं, तो 1 चम्मच मेथी दाना उसका पेस्ट लेना है। और उसमें आपने लेना है चावलों का आटा 1 चम्मच। चावलों के आटे से हमारे जिल्द के अंदर जितने भी डार्क स्पॉट होते हैं, कील मुहासे होते हैं, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। और 1 चम्मच लेनी है शहद। शहद से आपकी स्किन ग्लोइंग करना शुरू हो जाएगी। और आपने इसमें मिक्स करना है 1 चम्मच लीमू। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको लगाने से पहले आपने अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लेना है, ज़्यादा भर भर के नहीं लगाना है। इसको लगा के आपने अपने चेहरे को 15 मिनट तक के लिए छोड़ देना है। तो उसके बाद आपने अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोना है। धो के कोई भी रोज़ वाटर आप अपने चेहरे पे लगा लें तो माशाल्लाह से आपको इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा, आप देखते ही हैरान हो जाएंगे। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना, फैमिली का और बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।